अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नौमान और आप देख रहे हैं अयान इलेक्ट्रिक एजे। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि वाशिंग मशीन की मोटर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, अंदर वाली कॉइलों के और बाहर वाली की। सबसे पहले हमने बाहर वाली कॉइलें जो है उनके कनेक्शन करने हैं। ये मैं बाहर वाला सेट जो है बाहर वाला सिरा इसका उस पर से लीड चढ़ाने लगा हूँ। ये स्लीप चढ़ा दिए, इसके बाद ये अंदर वाला जो सिरा है छोटी कॉइल का ये छोड़ देना है। आगे फिर बाहर वाला जो है दूसरे कॉइल का वो सिरा लेना है। ये एक से तीन कनेक्शन होने हैं इसके, टोटल जितने भी कनेक्शन हैं एक से तीन हैं। ये एक कनेक्शन हो गया हमारा। इसके बाद दो अंदर वाले सिरे जो हैं, एक ये अंदर वाला हो गया जिस पर मैं स्लीप चढ़ाने लगा हूँ। ये अब ये दो जो अंदर वाले सिरे हैं इनको आपस में मिलाना है। ये ऐसे, इसके बाद ये भी कनेक्शन मुकम्मल हो गया हमारा। इसके बाद बाहर वाले सिरे जो हैं, ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं ये जोड़ है दोनों कॉइलों का, ये बाहर वाले दो सिरे लिए हैं। इस पर भी स्लीप चढ़ाऊँगा अब मैं। अब बाहर वाले जो दो सिरे हैं इनका कनेक्शन कर देना है आपस में इस तरह ऐसे। यहाँ अब हमारे बाहर वाले जो कनेक्शन है ये कंप्लीट हो गए हैं। अब दो सिरे बच जाएंगे हमारे अंदर वाले। अब इनके कनेक्शन करने हैं। इंसोलेशन जो है दोस्तों ये अच्छे तरीके के साथ उतारनी है। जितने भी कनेक्शन करने हैं इंसोलेशन अच्छे तरीके से उतारनी ताकि कनेक्शन जो है वो लूज़ ना रहे। अब ये जिन पे मैंने स्लीपें चढ़ाई थी ये उनका मैं कनेक्शन कर रहा हूँ आपस में। सेंटर वाला सिरा छोड़ देना है जो अंदर वाला है, बाहर वाले दो सिरे लेने हैं एक से तीन पे, एक से तीन कनेक्शन होगा। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि मेरा मज़ीद नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। ये एक कनेक्शन हो गया, ये दो बाहर वाले कॉइलों के बाहर वाले सिरे हैं दोनों कॉइलों के, ये उनका आपस में कनेक्शन था। ये ऐसे, अब इसको तार को स्लीप चढ़ा देनी है इसके ऊपर। इसके बाद अब दो जो हैं वो अंदर वाले सिरे लेने हैं, ये वाले, ये अंदर वाले सिरे हैं, ये बाहर वाला सिरा है। अंदर वाले दो सिरे हैं इनकी इंसोलेशन जो है वो उतारनी है। इंसोलेशन उतनी उतारनी है जितना आपका कनेक्शन है, इससे ज़्यादा नहीं उतारनी। अब इनको आपस में जॉइंट कर देना, तार को टाइट रख के कनेक्शन जो है मज़बूत करना है इसका। इसके बाद इधर से कट कर देंगे, कट करने के बाद ये कनेक्शन जो है ये स्लीप चढ़ा देनी है इसके ऊपर ताकि ये सेव हो जाए। इसके बाद ये तीसरा कनेक्शन है, ये बाहर वाले सिरे लेने हैं दो, ये दो बाहर वाले सिरे हैं बाहर वाली कॉइलों के बाहर वाले सिरे, ये इनको आपस में कनेक्ट कर देना है। ये हमारा आखिरी कनेक्शन था तीसरा बाहर वाली कॉइल का। इसके बाद दो सिरे बच जाएंगे हमारे, टोटल चार कॉइलें हैं। चार कॉइलों के तीन कनेक्शन होते हैं और दो तारें जो हैं ये बाहर निकल जाती हैं मेन जो होती हैं। अब इसकी इंसोलेशन जो है वो उतार दी है, अब ये कनेक्शन करूँगा।
ये कनेक्शन अब मुकम्मल हो गया। इसके बाद दोस्तों अब ये एक अंदर वाला सिरा और एक दूसरा सिरा वो बच जाएगा, फिर हम अंदर वाले कनेक्शन अब करेंगे। अंदर वाले कनेक्शन का भी बाहर वाला सिरा लेना है एक, ये जिस पे मैंने स्लीप जड़ाई है, ये एक हो गया। इसके बाद दूसरी कॉइल का जो है वो बाहर वाला सिरा लेना है दूसरी कॉइल का। ये तो एक कॉइल का हो गया। अब इसके बाद ये जो लेफ़्ट साइड पे है ये वाला, ये बाहर वाला सिरा लेना है। इन दो तारों का आपस में कनेक्शन कर देना है। ये अंदर वाला छोड़ देना सेंटर वाला। अब ये इसका कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद दूसरा कनेक्शन होगा, ये एक अंदर वाला सिरा लेना है और दूसरी साइड का अंदर वाला सिरा लेना है। बाहर वाला ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना है, ये वाला लेना है। ये दो अंदर वाले सिरे हैं अंदर वाली कॉइलों के। इस पर अब मैं स्लीप चढ़ाऊँगा। ये वाला भी कनेक्शन कर दिया है। अब तार को कट करूँगा मैं, कट करके स्लीप चढ़ा दूँगा। इसके बाद तीसरा कनेक्शन, आखिरी कनेक्शन इसका लेना है। ये दो सिरे बाहर वाले होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो सिरे हैं हमारे। इसके बाद बाकी के अंदर वाली कॉइल के भी दो दो अंदर वाली साइड के जो छोटी कॉइल के हैं वो भी सिरे बच जाएंगे। अब ये वाला कनेक्शन भी कट कर देना। अब दोस्तों कनेक्शन तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब दोस्तों ये जो दो एक कॉइल का जो कनेक्शन था ये वो मुकम्मल कर रहा हूँ मैं। ये तार कम होने की सूरत में मैंने ये जोड़ डाला था इस कॉइल में, इस वाली कॉइल में। ये कनेक्शन नहीं है, इसका कनेक्शन नहीं है। ये दो कॉइलें जो छोटी और बड़ी कॉइल होती है ये उनको आपस में कनेक्ट करने का कनेक्शन है, इनको आपस में कनेक्ट करना है। इसलिए ये तार का जो पीस मैंने डाला था तार कम हो गई थी, तो ये वाला कनेक्शन भी मैंने कर दिया। इससे हमारी ये कॉइल मुकम्मल हो जाएगी। अब तार को कट कर देना इधर से। ये कनेक्शन भी मुकम्मल कर दिया मैंने। अब इसके बाद अब मेन कनेक्शन करेंगे। दो तारों का कॉमन लेना है आपस में, ये बाहर वाली कॉइल का भी और अंदर वाली का भी। अब देखना ये अंदर वाली दो तारे हैं, ये बाहर वाली हैं। अब इन दोनों का आपस में कॉमन लेना है, अंदर वाली का और बाहर वाली का। ये मैंने राइट साइड पे जो कॉमन कर दी हैं, ये दो तारें कॉमन हो गई हैं और दो जो हैं कैपेसिटर की हैं, वन वे और टू वे, ये दोनों साइडों। दोस्तों ये मैंने जो इसकी लीडें हैं ये निकाल दी हैं। ये दो तारें जो राइट साइड पे हैं ये कॉमन कर देनी है, बाहर वाली कॉइल और अंदर वाली ये वाली कॉइल, ये दोनों कॉमन कर देनी है। और ये दोनों जो हैं ये एक जो है ये बाहर वाले सेट की है, जो बाहर वाली कॉइलें हैं ये उसका कनेक्शन है। ये अंदर वाली कॉइलें जो हैं ये उसका कनेक्शन है। इसी तरह ये हमारे जो कनेक्शन है ये कम्प्लीट हो गए हैं।
ये दो जो कनेक्शन है ये कैपेसिटर को लगेंगी तारें, ये वाली, ये वायर जो हैं ये कैपेसिटर की हैं और ये कॉमन है, ये मेन की हैं। इसमें एक डायरेक्ट वायर लगनी है और एक इसके कैपेसिटर की, ये और ये दोनों कैपेसिटर की हैं। इसे आप वन वे और टू वे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों साइडों पे मोटर काम करेगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि मेरा मज़ीद नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।